जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 की बैठक होगी शुरू। LOC पर BSF ने बढ़ाया अपना पूरा पहरा। सूत्रों के अनुसार चीन, तुर्की, सऊदी अरब ने बैठक से किनारा किया। दोपहर 3 बजे से होगी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। साउथ सुपरस्टार रामचरण भी इसमें हिस्सा लेंगे। फिल्म पर्यटन की चर्चा में होंगे शामिल। 25 देश के 60 प्रतिनिधि G20 की बैठक में शामिल होंगे। कुल 150 प्रतिनिधि G20 सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। G20 समिट के जरिए कश्मीर के कारीगरों को मिलेगी वैश्विक पहचान। हस्तशिल्प विभाग ने लगाई प्रदर्शनी। SKICC लॉन में पश्मीना शॉल, सिल्क कारपेट जैसे स्टॉल्स को लगाया गया। जम्मू कश्मीर में NIA को मिली बड़ी सफलता। जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी उबैद मलिक गिरफ्तार। बड़ी साजिश की फिराक में था उबैद, पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया जानकारी। जापान की यात्रा के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आज FEPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं पापुआ न्यू गिनी में पीएम जेम्स मारपे ने पांव छूकर किया पीएम मोदी का स्वागत। आज दोनों नेता FEPIC के 3rd शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी के सम्मान में हुआ पारंपरिक डांस। प्रधानमंत्री ने कलाकारों का किया अभिवादन। FEPIC सम्मेलन के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी अल्बनीज ने की प्रधानमंत्री की खूब तारीफ। बोले, सिडनी में आपके लिए लोगों में बहुत क्रेज है। आज दिल्ली के दौरे पर बिहार सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के वायदे पर बोले अरशद मदनी, अगर ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। कांग्रेस गलती सुधार रही है। BJP का बिहार की नीतीश सरकार से सवाल। राज्यपाल को हेलीकॉप्टर न देने का लगाया आरोप। कहा, ऐसी जाति के राज्यपाल अगर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो क्या हेलीकॉप्टर अपवित्र हो जाएगा। BJP पर RJD का तंज। कहा, जितना BJP शासित राज्यों में ऐसी जाति की प्रताड़ना होती है उतनी कहीं नहीं होती है। राज्यपाल सड़कों से गुजरेंगे तो विकास दिखेगा। पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण सिंह ने रखी शर्त। बोला, नार्को टेस्ट को तैयार। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी टेस्ट हो। रोहतक में पहलवानों के समर्थन में हुई खाप पंचायत में बड़ा फैसला। पहलवानों की कैंडल मार्च में शामिल होगी खाप पंचायतें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाकर्मियों और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर। 4 नक्सली जख्मी। कोबरा 202 बटालियन के 2 जवान भी जख्मी। अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामबन में कई जगहों पर छापेमारी। पाकिस्तान में बसे आतंकवादियों के घर पर रेड। पुलिस ने कहा, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस प्राकृतिक आपदा का शिकार हुई। तेज आंधी के कारण टूटा ट्रेन का शीशा। बिजली गुल। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। 2000 रुपए की नोट बदलवाने को लेकर SBI ने जारी की गाइडलाइंस। नोट बदलवाने वालों में से नहीं मांगा जाएगा किसी तरह का भी आइडेंटिटी प्रूफ। एक बार में बदलवा पाएंगे आप नोट, लेकिन सिर्फ 10 नोट ही एक बार में बदलवा सकेंगे आप। आज ज्ञानवापी के 2 अलग अलग केसेस में सुनवाई। ASI सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट में पेश कर सकता है अपनी आपत्ति। ट्रांसफर एप्लीकेशन पर होगी सुनवाई। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अंकुश और वैभव जैन की जमानत पर अर्जी पर सुनवाई। ईडी ने किया था जमानत याचिका का विरोध। सिलाउस एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। बेंगलुरु में भारी बरसात और आंधी का कहर बरकरार। पानी से भरे अंडरपास में फंसी गाड़ी। ड्राइवर समेत 6 लोग थे मौजूद। अस्पताल में इलाज के दौरान 1 महिला की मौत हो गई है। तो वहीं इस बीच कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने अस्पताल का दौरा किया है और महिला के परिवार को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली के मोती नगर में BMW कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार की मौत। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया। सीतापुर में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार। CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। Zee News।